हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो फाइनली 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 आप लोगों का जो वेट है वो ओवर हो गया। सीयूईटी पीजी की आंसर की जो है वो रिलीज हो चुकी है। आज शाम से ही ये न्यूज चल रही थी कि रिजल्ट आने वाला है, आंसर की आने वाली है सॉरी, तो वो फाइनली आंसर की रिलीज हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि ये जो आंसर की है इसको आपको कैसे देखना है, यानी कि इसके जो पीडीएफ फाइल खुलेगी वो आपकी, उसको आप कैसे चेक करें। अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट है तो उसको आपको कैसे चैलेंज करना है, कितनी फी लगेगी, ये सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस के अंदर बताने वाला हूँ। एक बात और, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देख लेना, चाहे आप 2x पे के ऊपर इसको चला के देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो भी बातें बताता हूँ पता क्या है कि आप इसका लास्ट का पार्ट या शुरू का पार्ट देख लेते हो, फिर वही बातें मेरे से पूछते हो जो मैं इसमें आंसर कर चुका होता हूँ। तो इसको प्लीज एट लास्ट तक इस वीडियो को आप लोग देख लेना, सो दैट सारे जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको करना क्या है, एनटीए की जो वेबसाइट है उस पर लॉग इन, उस पर जाना है आपको। अगर आपको लिंक नहीं पता है तो आप क्या करना, गूगल पर डाल लेना सीयूईटी पीजी एनटीए, है ना। आप गूगल के ऊपर टाइप कर देना, गूगल में टाइप कर देना सीयूईटी पीजी एनटीए, CUET PG NTA, और टाइप करने के बाद CUET PG की जो साइट है वो ओपन हो जाएगी। उसको स्क्रॉल करके नीचे पहुंच जाना। नीचे पहुंच जाओगे तो वहां पर जो कैंडिडेट एक्टिविटी वाला पोर्शन होता है, नीचे नीचे बना होता है जो, वहां पर सबसे ऊपर ये बना हुआ है आंसर की चैलेंज फॉर CUET PG 2023। इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है, ये वाला जो लिंक दिखेगा इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। ये जो इंटरफेस बना हुआ है इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ दिखाई देगा लॉगिन ऑप्शन। अब यहाँ लॉगिन ऑप्शन जब आपको दिखाई देगा तो इसमें दो चीजें आपको दिखाई देंगी। एक यहाँ दिखाई देगा थ्रो एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड, दूसरा दिखाई देगा थ्रो एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आप लॉग इन कैसे करना चाहते हैं। आप अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जो आपने बनाया था उससे करना चाहते हैं, या आप एप्लीकेशन और डेट ऑफ बर्थ से करना चाहते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी है। आप किसी से भी लॉग इन कर सकते हैं। लॉगिन कर लिया, उसके बाद क्या करना है आपको, लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप लॉगिन, जो भी आप मेथड यूज करेंगे तो वो मेथड यूज करने के बाद आपको यहाँ पर अपना ऐप, यहाँ पर कुछ नहीं डालना है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये लिखा आएगा। उसके बाद एप्लीकेशन नंबर जो आपका सीयूईटी पीजी का एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पर डालना है। आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ वाला मेथड यूज कर रहे हैं तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ आएगी। ये जो कैप्चा लिखा हुआ है इसको, सिक्योरिटी पिन जो है इसको यहाँ पर इंसर्ट करना है, और उसके बाद साइन इन कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या कर देना है, साइन इन कर देना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, अब जब आपका साइन इन हो जाएगा तो उसके बाद आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा। ये जो मैं पेज दिखा रहा हूँ इस तरह का आपको पेज दिखाई देगा। यहाँ पर चार पांच ऑप्शन दिखाई देंगे, डाउनलोड कंफर्म पेज, कंफर्मेशन पेज, फिजिक्स, क्योंकि मैंने फिजिक्स वाला खोला हुआ है तो फिजिक्स, और क्लिक टू व्यू और चैलेंज आंसर। तो आपने जिस भी डोमेन से पेपर दिया है वो पेपर यहाँ पर होगा, उसके अगर आपको चैलेंज करना है तो वो टैब यहाँ पर बनी होगी। तो सबसे पहले तो आपको क्या देखना है, वो जो ऑप्शन है फिजिक्स इंजीनियरिंग या जो भी है वो आपको यहाँ पर चेक करना है। तो मैंने फिजिक्स इंग्लिश जो है मैंने इस टैब पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरा पेपर आया था वो ओपन हो जाएगा। अब वो पेपर जब ओपन होगा तो वहां पर आंसर होगा, और उस आंसर के साइड में क्वेश्चन आईडी लिखी होगी और उनके नीचे ऑप्शन आईडी लिखी होगी। वो आपको खोल के रखना है, वो जो पेपर है वो आपको ओपन रखना है, ठीक है। जैसे कि आपको जब आप पेपर ओपन हो जाएगा तो क्वेश्चन के नीचे आपको या क्वेश्चन के साइड में इस तरह से आपको लिखा दिखाई देगा। मैं एक बार आपको ये बड़ा भी करके दिखा देता हूँ, ये जो है मैं एक बार आपको बड़ा भी करके दिखा देता हूँ कि ये इस तरह से क्वेश्चन आईडी दिखाई देंगी आपको। एक मिनट के, हाँ, इस तरह से आपको क्वेश्चन आईडी दिखाई देंगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन टाइप MCQ, क्वेश्चन की जो आईडी है वो ये है और उसके ऑप्शंस की आईडी ये है। अब ये क्या काम आएगी ये मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। इस तरह से आप अपना पूरा क्वेश्चन पेपर देख लेंगे। क्वेश्चन पेपर के अंदर यहाँ पर नीचे लिखा होगा स्टेटस, नॉट आंसर्ड और आंसर्ड। अगर आंसर्ड होगा तो फिर आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया है वो लिखा होगा, तीसरा क्या है, दूसरा क्या है, पहला क्या है, चौथा क्या है, इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन लिखे होंगे। अब आपको ये जानना है कि आपका आंसर सही है या गलत है, तो वो कैसे करेंगे। अब आपको कहाँ जाना है, आपको ये पेपर वाला जो ऑप्शन है खुला रहने देना है, साइड में टैब ओपन रहेगी, आपको क्लिक टू व्यू चैलेंज आंसर की में आपको क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक टू व्यू आंसर की में चैलेंज करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। पहले कॉलम में लिखा होगा आपने जो पेपर चूज किया है उसका नाम, दूसरे ऑप्शन पे दूसरा कॉलम जो है इस पर क्वेश्चन आईडी लिखी होगी, क्वेश्चन आईडी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आईडी जरूरी नहीं है कि जो आपके पेपर में ऑर्डर है उसी ऑर्डर में लगी हुई है,
यहाँ क्वेश्चन आईडी किसी और ऑर्डर में लगी हुई है, पेपर के अंदर क्वेश्चन आईडी 1 से 100 तक किसी और ऑर्डर में, है ना तो उसको देख के कंफ्यूज मत होना। मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्वेश्चन आईडी, अगर ये फिफ्थ क्वेश्चन नंबर की क्वेश्चन आईडी 9209061491555 है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर भी इस जो चैलेंज आंसर की में फिफ्थ नंबर की जो क्वेश्चन आईडी है वो सेम हो जो पेपर की हो, वो कुछ भी हो सकती है। अब उसको कैसे चेक करना है, उसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर कंट्रोल एफ दबाओगे। जैसे यहाँ आपने आंसर की उठाई, ये आपने क्या कर लिया, ये वाली आपने कॉपी कर ली, क्वेश्चन आईडी ये वाली आपने कॉपी कर ली, इसको कॉपी कर लिया। अब जो आपने कौन सा पेपर वाला टैब खुला हुआ है, उस पेपर वाले टैब के अंदर आप जाना, पेपर वाले टैब के अंदर जाना, कंट्रोल फाइंड दबाना, है ना, कंट्रोल फाइंड दबाओगे, वहां पे पेस्ट कर देना। वहां पे पेस्ट करोगे तो सीधा आपको उसी क्वेश्चन पे पहुंचा देगा जो आपकी क्वेश्चन आईडी जो आप सर्च कर रहे हो। अब उस क्वेश्चन के अगेंस्ट उसका जो आंसर लिखा हुआ है वो इस कॉलम में लिखा हुआ है, ये राइट आंसर है, ये राइट आंसर है, ठीक है। तो आपको अब उस जो क्वेश्चन आप चेक करना चाह रहे हो उसका राइट आंसर पता लग जाएगा कि उसका राइट आंसर क्या है। अब आपको लगता है कि जो आंसर की में आंसर आया है वो गलत है और आपने जो आंसर मारा है वो सही है, है ना, तो आपको चैलेंज करना है तो यहाँ पर ये टैब बने हुए हैं 1 2 3 4 और इनमें से कोई भी नहीं है तो एक नन ऑफ दिस भी है, तो आपको जो सही लगता है वो आंसर आप यहाँ पे टिक करेंगे। अब ऐसे करके आप 1 2 3 4 5 कितने भी क्वेश्चन आप चूज कर सकते हैं, है ना, वो आपके ऊपर है कि आपको कितने क्वेश्चंस गलत लग रहे हैं। फिर जितने भी आपने क्वेश्चन क्लेम कर लिए, 2 कर लिया 3 कर लिया 4 कर लिया 5 कर लिया, जितने भी क्वेश्चन क्लेम कर लिए, वहां पर आपको सेव योर क्लेम्स कर देना। मैं आपको वापस बता दूं एक बार कि आपको क्वेश्चन के आंसर कैसे चेक करने हैं। एक तो आप खोल लोगे पेपर वाला टैब और एक आप खोल लोगे चैलेंज आंसर की वाला टैब। चैलेंज आंसर की में से जो क्वेश्चन आईडी है उसको यहां से कॉपी करना और जो पेपर वाला आंसर की है वहां पर कंट्रोल फाइंड करके, यानी कि फाइंड का जो ऑप्शन आता है वहां पर पेस्ट कर देना। अब सीधा उसी क्वेश्चन पे पहुंचोगे जहां पर ये क्वेश्चन आईडी लिखी हुई है। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि जो पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबरिंग है और जो आंसर की के अंदर, जो चैलेंज की के अंदर क्वेश्चन नंबरिंग है, वो दोनों सेम नहीं है, दोनों के ऑर्डर रैंडम है। मतलब वहां पर अगर 100 नंबर पे कुछ क्वेश्चन आईडी है तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि 100 नंबर पर वही क्वेश्चन आईडी हो, यहाँ से अलग भी क्वेश्चन आईडी हो सकती है, तो वो मैंने आपको तरीका बता दिया। उसके बाद आपने जितने भी क्वेश्चन क्लेम किए हैं उनके क्लेम आपको सेव कर लेने हैं। सेव करने के बाद आपको इस तरह का पॉपअप दिखाई देगा कि आपने ये क्वेश्चन सेव कर लिए। सेव करने के बाद फिर आपको आगे प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद मान लो आपने 3 क्वेश्चन को क्लेम किया है, तो 3 क्वेश्चन आपको क्लेम हुए। अब आपको अगर इनको डिलीट करना है कि मैं ये गलत लगा रहा हूं, तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। उसके अलावा आपको जो भी क्वेश्चन आप क्लेम कर रहे हो उसके डॉक्यूमेंट, उसके एवज में उसका प्रूफ लगाना पड़ेगा कि ये गलत क्यों है। मान लो अगर वो न्यूमेरिकल है तो वो न्यूमेरिकल को सॉल्व करके आपको दिखाना पड़ेगा, उसका प्रूफ लगाना पड़ेगा। अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो भी आपको उसका प्रूफ लगाना पड़ेगा। कुल मिला के PDF आपको अटैच करना पड़ेगा जितने भी आप क्वेश्चंस वो कर रहे हो, चैलेंज कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पर वो अपलोड डॉक्यूमेंट्स होते जाएंगे। फाइनली आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट लगेगा 200 रुपये का। जब तक पेमेंट नहीं होगा तब तक आपका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस चैलेंज करना है। क्वेश्चन चैलेंज करने की जो डेट है वो 13 जुलाई यानी कि आज से और 15 जुलाई तक है। आज से और 15 जुलाई शाम 5 बजे तक है शायद, तब तक ही आप क्वेश्चंस चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो ये क्वेश्चन आंसर्स जो आपने क्लेम किए हैं ये वापस से चेक किए जाएंगे कि क्या ये वास्तव में गलत है। फिर एक फाइनल आंसर की आएगी और जब फाइनल आंसर की आती है तो उसके साथ साथ या तो रिजल्ट भी आ जाता है या उसके अगले दिन रिजल्ट आ जाता है। तो इस तरह से आपको जो क्वेश्चंस है वो चैलेंज करने हैं और इस तरह से आपको अपना रिजल्ट देखना है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ फिजिक्स में किसके कितने नंबर बन रहे हैं। हालांकि ये मेहनत वाला काम है बहुत, अपना रिजल्ट चेक करना भी बहुत, आंसर की चेक करना बहुत मेहनत वाला काम है, फिर भी अब करना तो पड़ेगा, पेपर दिया है। तो होपफुली कि आपको ये पूरा वीडियो के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दी है बहुत ही यूजफुल होगी। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। और अगर आपको इसके ऊपर लाइव सेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना मेरे को कि हमें और भी कुछ समझना है तो मैं लाइव बता दूंगा। एक चीज़ और हो सकती है कि कई बच्चों का जो सेशन है वो ऑटोमेटिकली या तो लॉग आउट हो जाएगा, हो गया होगा, या फिर जो है कि उनका जो लिंक है वो ओपन नहीं हो रहा होगा। तो उसका एक कारण ये हो सकता है कि आपने थोड़ी देर पहले ही वो लिंक से उसमें अपना आंसर की चेक किया था और उसको लॉग आउट किए बिना आप बाहर निकल गए, तो उस केस में वो दोबारा से उसको टैब को चलने नहीं देगा, वो सिक्योरिटी है। तो उस केस में आपको क्या करना है कि गूगल में न्यू इनकॉग्निटो मोड पे जाना, साइड में जो ऊपर लिखा होता है ना सेटिंग्स के पास में, तो वहां पर 3 डॉट्स बने होते हैं, तो वहां 3 डॉट्स पे जाना, वहां पर जाना न्यू इनकॉग्निटो मोड, इनकॉग्निटो मोड, न्यू इनकॉग्निटो मोड पे जाना।
और फिर वापस से वही प्रोसेस करना जो मैंने बताया है, सीवीटी पीजी एनटीए वगैरह वो सब डालना, फिर आपकी वो लिंक जो है वो ओपन हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ किसके कितने नंबर बन रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।